अरे नालायकों कदो, तुम्हारी पहले जाके जरा वीडियो देख ले, 5 या 6 बड़े बड़े वीडियो पूरी डिटेल के साथ की रिसर्च कर करके रात पर रात वो नहीं करेंगे, इधर आके चिल्लाने लगी और बहुत खुजली तो तुम चले जाओ साले। तुम हो क्या ना, तुम सरकार में हो ना तुम किसान में हो, सिर्फ तुम साले बैठ के अपनी एसएससी करवा के कमेंट कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि मैं इस मुद्दे पे पहले से जुड़ा हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप वीडियो नहीं कर रहे, बेवकूफ हो, नालायक हो, हराम खोरो, पहले जाके देख तो लो इंटरनेट पे क्या किया है क्या नहीं किया है। वंदे मातरम। ये वाला वीडियो जो है वो कोई भी ऐसा इंसान ना देखे जिसने मेरा 57 मिनट का 57 मिनट्स का एक वीडियो, उसके बाद 44 मिनट का, 44 मिनट्स का, फिर उसके बाद 32 मिनट्स का, फिर उसके बाद 23 मिनट्स का, फिर उसके बाद 17 मिनट का, इतने वीडियोस मैं कर चुका हूँ किसान आंदोलन पे। तो जिसने वो सब वीडियो ना देखे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अगर एक ऑलरेडी अपना विचार बना चुके हैं कि सरकार सही है या किसान सही है तो बिल्कुल वीडियो मत देखो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पहले से क्रिएट कर लिया, उसका कोई मदद नहीं हो सकती जिसने खुद को ही विचार बना लिया अपने हिसाब से। अब बात आते हैं इसमें, सबसे पहले उन भांड लोगों को जरा दूर करो जो सरकार के अलावा और किसानों के अलावा कोई भी जो इसमें बीच में है, जो भी कुछ भी एक बकैती कर रहा है, जो भी एक गलत बात बोल रहा है, चाहे वो किसानों के खिलाफ चाहे सरकारों के खिलाफ, पहले ये समझना पड़ेगा कि असल मुद्दा क्या था, तो उसके लिए जरा रिसर्च कर लेना। दूसरा, अगर मैं जब ये कहता हूं कि मैंने ये वीडियोस और ये सब चीजें ऑलरेडी कर चुका हूं तो इसका मतलब है कि मैं इस मुद्दे पे पहले से जुड़ा हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप वीडियो नहीं कर रहे, बेवकूफ हो, नालायक हो, हराम खोरो, पहले जाके देख तो लो इंटरनेट पे क्या किया है क्या नहीं किया है, कि बस आके यहां पर चिल्लाना। और तुमने क्यों नहीं गए, तुम चले जाते इतना होता तो किस टाइप के हो, ये भी नहीं पता दुनिया के किस कोने में हम बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं वो नहीं। एक काम करो, उठो, या तो सरकार की तरफ से बोलो या किसानों की तरफ से बोलो, कोई जेन्युइन चीज होती है। हाफ समझते हो, हाफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइन होती है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द ब्रेवरी एंड ब्रिवाडो, इन दोनों के बीच का रास्ता होता है, वो होता है निर्णय, वो होता है न्याय, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। हम कौन होते हैं अभी, गलत कौन है सही कौन है, बस बैठ के या तो एक किसान को गलत बता दो या सरकार को गलत बता दो, कभी रिसर्च करना, समझना। अब इस पे जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन मैटर है वो समझ लो पहले। कृषि के मिनिस्टर है उनकी और उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 41 लोगों का पूरा एक दल गया था जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसके, किसानों के, उन लोगों के बीच में बात हुई है, एक चरण की बात हुई है। जो केंद्रीय मंत्री है उनका कहना यह है कि 50% सॉल्व हो गई, 4 में से 2 मुद्दे सॉल्व हो गए, जिसके हिसाब से बिजली कानून वाला जो है वो बिजली बिल वाला है वो वापस लिया गया है। दूसरा, पराली अब क्राइम नहीं होगा, पराली जो जला सकते हैं वो एक चीज है। तो ये 2 चीजें हुई है बची, 2 MSP वाला जो एक मैटर रहेगा, जो एक और बड़ा मैटर रहेगा, इन सब पर डिस्कशन होगा। कौन करेगा, सरकार करेगी, सरकार के साथ कौन करेगा, किसान नेता जो है, किसान के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो करेंगे। लेकिन इसके बीच में मेरा एक बहुत बड़ा एक इशू है और वो इशू ये है, ये कौन हरामखोर लोग है साले। देखो जो ये कह रहे हैं कि किसान जो वहां पर बैठे हुए वो आतंकवादी, पागल आ गए हो कभी, एक वायलेंस नहीं हुआ। इस सबसे बड़े आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत मालूम क्या रही है, कि यहां पर कोई भी वायलेंस नहीं हुआ है, ठीक। दूसरी चीज यह है कि यहां पर किसी ने नेतागिरी नहीं करने दी ना, इसलिए सबकी चल रही है ना। बहुत सारे लोग आए अपनी दुकान खोलने के लिए, लेकिन किसानों ने एक बात बहुत क्लियर की है, बहुत पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ वाली बात नहीं है, यहां पर बहुत समझदार लोग भी हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनने कहा कि नहीं, जो बात होगी डायरेक्ट होगी, बीच का ये सरका सटाओ। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि पत्थरबाजी करें, नारेबाजी की, प्रधानमंत्री ने तो नहीं कहा कि ये लोग गलत हैं, गृहमंत्री नहीं कह रहा कि गलत है, केंद्रीय जो कृषि मंत्री वो नहीं कह रहा है। तो फिर ये हरामखोरी, चिद्दी चोर, 2 कौड़ी के साले, गली के गुंडे जो थे आज नेता बन गए, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। इन लोगों से बच के रहना, जो ना केंद्र सरकार बोल रही वो वाली बात, ना यहां पर किसान लोग वो बोल रहे, जो ये बीच में दुकानदारी कर रहे हैं, बहुत बहुत हरामखोर लोग, इनसे बच के रहना, अगले चुनाव में ध्यान रखना, क्योंकि ये मुद्दा है किसान के बीच का, किसानों के अलावा केंद्र सरकार के बीच में, वो निर्णय लेंगे, वो लोग करेंगे। ये कौन होते हैं जो बीच में आके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इसके बाद हाँ, पीसफुल मार्च, पीसफुल प्रोटेस्ट संवैधानिक एक अधिकार है और किसानों ने उसका उपयोग किया, बिल्कुल करना चाहिए, हर आदमी को है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ लोग इसको बरगला रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, एक बात बताओ, मीडिया जो बहुत रीजनेबल सही मीडिया है हिंदुस्तान के, वो मीडिया वालों को वहां पर उन पे कोई नहीं, बीच में एक पत्थरबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन जो वहां के उनके रिप्रेजेंटेटिव जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने उनको लताड़ा जिसने ये गलत करने की कोशिश की। तो मीडिया और सिक्योरिटी फोर्सेस से अभी तक एक भी झड़प नहीं हुई इतने बड़े आंदोलन में। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष मिलकर बात करके खत्म करने की कोशिश अगर करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक और बहुत बड़ी बात इसमें ये है, मैं उस पूरे स्टेटमेंट का बहुत विरोध करता हूं, और विरोध के अलावा इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उन लोगों को उठाना चाहिए जिन लोगों ने आंदोलन के शुरू में एक बहरूपिया बन के आए थे और उन्होंने ये कहा था
कि हम भारत के प्रधानमंत्री को मार देंगे जान से अगर वो हमारी मांग नहीं करेगा या गृहमंत्री को मार देंगे। सुनो बे, तुम्हारे बाप के हिसाब से नहीं चलेगा बेवकूफ, एक कानून है, एक संविधान है, एक पूरी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से चलेगा। तो मैं इसका भी बहुत विरोध करता हूं। और सबसे बड़ा ध्यान रखना, जितने भी मेरे किसान भाई बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, ये पूरा मुद्दा किसी पार्टी का मत होने देना। जो जेन्युइन किसान है जो वहां पर बैठे हैं, और जो किसानों के जो पुराने नेता है, जो किसानों के जेन्युइन नेता है जो किसी पार्टी के नहीं है, उनको मेरा बहुत प्रणाम है। आप इन युवा को संभाल के रखिए, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। जो युवा आपके साथ जुड़े हुए वहां पर, किसानों के बच्चे जो है, ये बहुत बड़ी ताकत है। ध्यान रहे, वायलेंस मत करने दीजिए, वरना आपका आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। देखिए, बात करने से बात बनेगी। जब भारत के टॉप दो या तीन जो नेता है, जो जिसको आप कैसे प्रधानमंत्री को गाली बक सकते हो, वो प्रधानमंत्री एक राष्ट्र का है। मैं कहता हूं, मैंने आज तक कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो पुराने कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे नए कोई, वो भारत का एक सर्वोच्च पद है जहां पर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जनादेश है, उसको चुना गया है। चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो पूरे देश का है। उसका अपमान मतलब उसको गाली बकना है, उसको ये कहना कि मार देना, ऐसा नहीं चलेगा भाई। एक कानून है, एक सिस्टम है। जिनने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया उनको उठा के उनके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए। एक ये चीज हो गई। दूसरा, आप दिमाग में ये रखें कि आपको ये ध्यान रखना है कि 50% तो सॉल्व हो गया, 50% बाद से होगा। लेकिन ये बहुत हरामखोर लोग हैं, बहुत बहुत कमीने लोग हैं ये, जो सरकार के लिए भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, या फिर जो लोग किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं। ये दोनों पक्षों से बच के रहना। और अगले चुनाव में ध्यान रखना, जो भी ये कहता है कि किसान आतंकवादी वहां पर बैठकर गड़बड़ कर रहा है, अगर किसान को कोई ऐसा कहता है, उससे बहुत बचकर रहना। जो साला अन्नदाता का नहीं, वो तुम्हारा नहीं होगा। दूसरा, जो वहां पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गाली बक रहे हैं या गृहमंत्री को गाली बक रहे हैं, ये भी बहुत बहुत ज्यादा कमीने लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं, मालूम है, जो भीड़ होती है ना, ये वो लोग हैं, जब भीड़ दोनों तरफ से सामने से खड़ी होती है, उनमें से दो लोग बात करने की कोशिश करते हैं, उनमें से एक पीछे से एक पत्थर मारता बोलता मारो, ये वो है साले, इनसे बच के रहना। इनने कभी किसी का भला नहीं किया, ये अपना भी बुरा करेंगे, किसानों का भी बुरा करेंगे, सरकार का भी बुरा करेंगे, और इस पूरे मुद्दे को बरगला देंगे। देखो, दोनों पक्ष बात करें, चीजें बात करने से बात बनती है। बस थोड़ा सा मुद्दा ये है कि देखो, 50% हो गया, अगले 50% पे भी बात करके बात होगी। और आप लोगों से ये गुजारिश है, जल्दी से यार इसको खत्म करें, आप लोग भी घर जाएं। सरकार को मैंने जो जो मेरे सुझाव थे, जरा 57 मिनट का वीडियो देखना पूरी, आज नहीं, 2-3 महीने पहले करके बैठा हूं जब स्टार्ट हुई थी ये चीज, और पूरा डिटेल है उसमें, कानून क्या कहता है, किसानों को क्या प्रॉब्लम है, सरकार के लिए सुझाव, किसानों के लिए सुझाव, किसान के बच्चों के लिए सुझाव, ये सब दिया है। आप बहुत अच्छा पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं, पीसफुल आंदोलन ही आपकी ताकत है। वायलेंस मत होने दीजिएगा, वरना एक मौका मिल जाएगा किसी को भी आपको बदनाम करने का। शांतिपूर्वक जैसी बातें चल रही हैं, अभी 40-40 लोग अगर केंद्रीय मंत्रियों से बात करें तो कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा ना। और एक बात ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है, गृहमंत्री का नहीं है, कृषि मंत्री का नहीं है, तो ये कौन है सारे चिंदी चोर, जो दो दो फोड़े के सारे जो नेता है, जो जिस गुंडे टुच्चे थे साले, जो आज जाके एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटर बन के गाली बकते हैं किसानों को, इन लोगों से बच के रहना। और जो किसान आंदोलन के बीच में खड़े होकर प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बिकॉज आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हो, तुम्हारे बाप का कानून नहीं है भाई, संविधान के हिसाब से चलेगा देश, और देश कानून के हिसाब से चलेगा, और यह सबके लिए बराबर है। तो मैंने बहुत क्लियर कर दिया, मैं चाहे सरकार की तरफ से कोई भड़काऊ भाषण देता है, उसको भी साले को सजा होना चाहिए। और जो अगर नेताओं उधर पे नेता बन रहे हैं, किसानों की तरफ से कोई भड़काऊ भाषण देता है जिससे माहौल बिगड़े, जिस बहुत बच के रहना। जो इस देश का सगा नहीं हुआ, जो इस किसानों का सगा नहीं हुआ, वो आदमी कोई भी हो, यहाँ लपड़ा सिर्फ एक चीज का, यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, वो ये है, ये जो लोग जो भड़का रहे हैं ना, इन हरामखोरों की दुकानें चलती है, याद रखना, ये तुम्हारा कफन बेच खाएंगे। आज देश का माहौल है, अबे ऐसी तैसी करवाने जाए जो लोग, ये आपको क्यों नहीं समझ में आता। तो जितने किसान भाई है ना, मुद्दे से मत भटकना। हाँ, पीसफुल, आप सबसे बड़ी ताकत क्या है ना, पीसफुल अगर जो चल रहा है प्रोटेस्ट, वो बहुत बड़ी ताकत है। तो फिर से एक बार आखिरी में ये चीज क्लियर कर देता हूं, आपका बात बात से ही बनेगी सरकार के साथ, जब किसानों के रिप्रेजेंटेटिव, उनके जब नेता बैठेंगे, और बगैर पॉलिटिकल के। सबसे कमाल की बात यह हुई है जो आप लोगों ने कर दिया है, वो ये है कि भटकने नहीं दिया किसी को। अगर जब तक इसको पॉलिटिक्स से बाहर रखा जाएगा, सिर्फ किसान और सरकार बात करेंगे, सरकार को सुनना ही पड़ेगा, और सुन तो रही है ना सरकार। अगर 4 में से 2 मुद्दे माने गए, 50% जो केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट अगर कह रहे हैं हो गया है, और यहां पर ये बस फिर से एक बार सुन लो, समझ लो, दोनों चीज का मैं विरोध से ज्यादा ये मैं मांग करूं। मैं लेटर लिख रहा हूं, मुझे पता है मुझे किसको लिखना है, कहां लिखना है, क्या कार्रवाई करवाना है। यहां मेन मैटर ये आ रहा है
कि जो ये कह रहे हैं आंदोलन के नाम पर, आंदोलन की आग लेके जो राजनीति कर रहे हैं वो साले कमीने हैं, और वो जो वहां पर ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को मार देंगे, सुनो भाई ऐसा घंटा ऐसा नहीं होता है, वो कानून के हिसाब से चलेगा देश, संविधान के हिसाब से चलेगा। अगर ये वीडियो मिल जाए किसी के पास हो, मुझे भी जरा इनके चेहरे दिखाओ जरा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सब नॉर्मल चल रहा है ना, एक गड़बड़ी करके पूरे इसको भसम, पूरा इसको बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखा जाए। दूसरा, जो भी भाजपा की तरफ से अगर कोई भी ऐसा जो अपने आप को भाजपा का बताता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, कृषि मंत्री ने किसानों के खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जितना मैं फॉलो करता हूं, और दिया होता तो इतनी दम रखता हूं कि मैं विरोध सीधे मुंह पे बोलूं, ठीक है। तो अगर ये जो लोग भी भाजपा का तमगा लगा के अगर ये कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि इसकी तरफ से चिंदी चोर दो कौड़ी के हरामखोर है साले, पहले गुंडे टुच्चे थे, आजकल पता नहीं वो झंडा लेके साले नेता बने फिरते हैं, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है भे। अगर कोई आंदोलन कर रहा है तुम तो उनको आतंकवादी कहने लगोगे, किस टाइप के लोग हो भाई, पागलो सालो इनको। फिर आप लोग बोलते हैं कि मैंने इस बात के लिए बुरा लगता है कि अगर कोई समस्या है तो उस पर बात होगी, चर्चा होगी, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन सॉल्यूशन ये वही लोग गड़बड़ करेंगे जिनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, जिनको अपना अपना हंगामा करना है। एक बहुत अच्छी चीज और ये, मीडिया पर अभी तक कोई हमला नहीं किया गया, पुलिस फोर्स पर कोई हमला नहीं किया गया, मतलब वो बढ़िया काम कर रहे हैं, पीसफुल मार्च आप करते रहिए। इसका निदान मुझे जितना लग रहा है, जो 4 तारीख को एक बड़ी बैठक रखी गई है, 4 तारीख को इस पूरे इसका निदान हो जाएगा ऐसा लग रहा है, और मैं प्रार्थना करता हूं, और आप लोगों से ये, पूरे किसान भाइयों से ये मेरा निवेदन है कि आप वायलेंस मत होने दीजिएगा और इसे पॉलिटिकल जामा मत पहनने दीजिएगा। जो चीज है उसका सोल्यूशन मुझे लगता है होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और जो लोग कमेंट में आके बार बार और हमारी टीम को फोन कर करके बोलते कि सर को बोलिए वीडियो बनाने के लिए, अबे नालायक को कदो, तुम्हारी पहले जाके जरा वीडियो देख ले, 5 या 6 बड़े बड़े वीडियो पूरी डिटेल के साथ की रिसर्च कर करके रात पर आप, कानून क्या है, सरकार क्या कह रही है, कानून क्या कहता है, उसके बाद किसानों का क्या पक्ष है, किसानों की क्या मांगे, पूरे डिटेल वो नहीं करेंगे, इधर आके चिल्लाने लगे और बहुत खुजली तो तुम चले जाओ साले, तुम हो क्या, ना तुम सरकार में हो ना तुम किसान में हो, सिर्फ तुम साले बैठ के अपनी ऐसे ऐसे करवा के कमेंट कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को ना एक कुछ नहीं यार, तुम्हारे लिए, तुम लोग भी अपने लोग हो, तुम्हारे लिए भी इज्जत है, और सिर्फ इतना है कि एक काम करना, अपने सपने में जो भी तुमने जिंदगी में सबसे बड़ी गाली है ना वो सोच लो और अपने आप को दे लो, क्योंकि तुम लोग इज्जत तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, किसानों का सम्मान कीजिए, अपने कानून, अपने संविधान का सम्मान कीजिए, महिलाओं की इज्जत कीजिए, और भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं अपनी कुवत से वो जरूर कीजिए, और फेक प्रोपोगेंडा मत चलने दीजिए, चाहे वो किसी का भी हो। वंदे मातरम।